ओके वी आर ऑन अगेन, गुड इवनिंग अगेन, आपका स्वागत है सबका जो यहाँ बैठे हैं और जो मुझे जुड़ेंगे, सबका स्वागत है। तो हम कुछ भी करते हैं जिंदगी में तो उसका कुछ तो रिजल्ट होना चाहिए, कुछ सीख के निकले या कुछ जो आता था वो भी भूल गए, है कि नहीं। इवन व्हेन यू गो टू द मॉल और यू गो टू द सिनेमा, इफ यू गो टू थिएटर और यू गो फॉर अ बाइक राइड और अ कार ड्राइव, देयर इज सम ऑब्जेक्टिव टू इट और इज़न्ट देयर। अगर आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, कार चलाने जाते हैं, गाड़ी चलाने जाते हैं, तो आपकी कोई ना कोई उसके पीछे एक सोच, एक मकसद तो होता है ना। हाउ मेनी इयर्स ऑफ आवर लाइफ हैव वी लॉस्ट विदाउट रियलाइजिंग दैट एवरी आफ्टर एवरी एनकाउंटर इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिचर वी आर गेटिंग पुअरर। अपने जीवन के कितने वर्ष हमने ऐसे गवा दिए कि हर मुलाकात के बाद हम धनवान बनने के बजाय, हम कुछ सीखने के बजाय कुछ ना कुछ गवाते ही जा रहे हैं। आर आर मीटिंग विद फ्रेंड्स एंड पीपल प्रोडक्टिव? अपने मित्रों और लोगों से मिलने के बाद हमारी मुलाकात से हमें कुछ लाभ होना चाहिए। आपको पता है मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूं, आज थोड़ी सी अलाउड है। मैं एक दुकान पे जाता हूं तो वो जो दुकानदार है वो मेरे को एंड में मेरी चीज देता है, तो मैं गुस्सा आया एक दिन, मैंने कहा मैं दो आदमियों से पहले आया और तू इनको पहले निपटा रहा है और तू मेरे को नहीं दे रहा है मेरी चीज, क्या कर रहा है तू? कहता सर उसका एक कारण। मैंने कहा क्या कारण? कहता मेरा दिल नहीं करता आप जाएं। तो मैंने कहा मैं तेरी दुकान पे, परचून की दुकान पे खड़ा रहूं सारा दिन? कहता नहीं सर मैं वेट करता हूं आप जब कुछ बोलते हैं ना उससे मैं कुछ सीखता हूं और फिर उसमें मैं सोचता हूं जब तक आप नेक्स्ट नहीं आते। सो वी फॉर्म रिलेशनशिप विद पीपल वी डोंट इवन नो, you know, once a taxi driver dropped me from Nair Saab's, where does he stay? Vashi se yahan tak, and he told me about a person whose name he had forgotten, that if you have any problem go to that person, he's some Singh. Then he told me where we were going that Friday meetings, Kirtan Kendra. यदा कीर्तन केंद्र में मिलते हैं 7 बजे, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई बीमार हो, कोई कुछ हो, लंबे से हैं, सिंह है, नाम भूल गया हूं। और 1.5 घंटा मुझे बताता रहा कि वहां जाने से क्या क्या फायदे होते हैं, उल्लू भी सीधे हो जाते हैं, सब ठीक हो जाता है, बताया मेरे को, टेस्टिमनी दी और मेरे को पहचाना नहीं। सच बोल रहा हूं मैं। मेरे को बजाया, मैंने कहा अरे कैसे दिखते हैं, लंबे से है, घुंघराले बाल है, उनका बोल नहीं रहा, हैंडसम आदमी है। सौंफ खाने का शौक है मुझे, तो कभी कभी गले में अटक जाते हैं। करते हैं, एक दूसरे की लात खींचते हैं, बचपन की
बताते तू ऐसा था, तू टेढ़ा था, तू ऐसा था, तेरा उस पे दिल आ गया था, उसने फिर चप्पल दिखाई थी। ऐसा होता है ना जिंदगी में। लेकिन वी नेवर टॉक एंड गॉसिप अबाउट एनीबडी। और मेरे को कोई मिलता है, अगर मेरे को कोई पूछता है कि वो कैसा है, तो बोलूंगा बहुत अच्छा है, आपका पता नहीं है मुझे भी। वी ऑलवेज लिफ्ट अप ईच अदर। यार तुझे पता बब्बू वो खड़ा होता है यार, हजारों लाखों लोग उसके सामने खड़े होते हैं, सरदार को पता नहीं क्या हो गया, ऐसे करता है टच, लोग गिर जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, ठीक हो जाते हैं, अच्छी बातें करते हैं। तो कुछ प्रोडक्टिविटी है ना। डाबर का आपको सामान चाहिए सहारनपुर में तो मैं कहूंगा मेयर के पास ही जाओ, बल्ले के पास जाओ, और वहां पे बोल दो बब्बू का दोस्त तू चाय पिलाएगा और जो चाहिए आपको पिलाएगा वो वहां पे, वहां को खुश करके भेजेगा, क्योंकि ओनली बब्बू का दोस्त। अगर आपको होटल वोटल नहीं है घर पे रख लेंगे, बब्बू का दोस्त। ये दोस्ती आ रही होती है। प्रोडक्टिविटी, मुनि जी ने हमें याद दिलाया कि हमारे को असेस करना चाहिए कि हमने किसी का दिल दुखाया है, कुछ किया है ब्रेड एंड वाइन से पहले। हमें यह भी असेस करना चाहिए कि किसी को मिलके क्या हम अमीर हुए हैं या गरीब। अगर आप लोगों को मिलके गरीब हो रहे हैं, बिटर हो रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, तो मतलब मत मिलो, मत मिलो। थोड़ा सा जो टिकलिंग होती है ना कान के अंदर की, वो क्या बोलेगा, गॉसिप मिलेगी, उसका आदमी गरीब होता है, आदमी स्पिरिचुअली गरीब होता है, आदमी का कैरेक्टर गरीब होता है, आदमी की सोच गरीब हो जाती है। जोब ने बोला हजारों साल पहले कि गॉड सिट्स ऑन द सर्कल ऑफ द अर्थ। जब माना जाता था कि अगर आप चलते रहेंगे तो आप उस तरफ गिर जाएंगे, और डेथ पेनल्टी थी कोई आदमी बोले कि दुनिया बोले, पर बोलना पड़ा। तो ऐसे लोगों के पास जाइए जो बोलते हैं दुनिया गोल है, फ्लैट नहीं है। फोन आ रहा है किसी का? मेरा नहीं। तो डू वी लर्न समथिंग और ओनली बिलिटल अदर्स? डू वी लर्न समथिंग और ओनली बिलिटल अदर्स? डू वी, इज इट अ वेस्ट ऑफ टाइम? डू वी ग्रो? डू वी ग्रो? Do we become better? क्या हम अच्छे होते हैं? What is the objective of the meeting? Have fun, chill, learn, help, love, learn. In Chandigarh where I was studying, वहां पे सामने एक 5-star होटल था, हमने एक सूट रखा हुआ था, शादी होती थी सूट पहन के पहुंच जाते थे। लड़के वालों के लिए हम लड़की वालों की तरफ से हैं, लड़की वालों के लिए लड़के वालों सब करते हैं। अब साउंड आएगा। तो वहां पे जापानीज ट्रूप रह रहा था, एक छोटी सी बात बता रहा हूं मैं। एवरी यू कैन रिकॉग्नाइज, आई लव जापानीज पीपल, यू कैन रिकॉग्नाइज देम विद अ कैमरा अराउंड द नेक्स, विल ऑलवेज बी देयर। तो वहां पे तगड़े सरदार जी का ऑटो रिक्शा खराब हो गया, ये लोग बस में चढ़ने टूरिंग पे जाने वाले थे, ऑल ऑफ देम वेरी रिस्पेक्टफुली सराउंडेड द, समझने की बात, सराउंडेड द सरदार जी। सरदार जी ने देखा सब कितने सारे दूसरी कंट्री के लोग, तो सरदार जी का कोई नहीं,
एटीट्यूड होता है सर, आपको कोई नहीं, मेरे को क्या फर्क पड़ता। तो उसने फिडल करता रहा, बस वेट कर रही है वहां पे, उसने मारा, स्टार्ट नहीं हुआ, सब एवरीबॉडी वेंट। फिर उसने और करा, और क्या, फिर उसने करा, स्टार्ट हुआ, ईच एंड एवरी वन क्लैप्ड बिकॉज ही रिपेयर्ड हिज ओन रिक्शा। दैट इज अप्रिसिएशन, दे लर्न समथिंग दैट दिस रिक्शा ड्राइवर इज गुड टू गो विद हिम, इफ द रिक्शा breaks down, he can repair it. Imagine rickshaw wala utar ke kaha ji theek karo ise tab chalaunga. So every encounter we cannot now start assessing. I went out with Manu and had breakfast points. Aisa nahi hai, lekin kuch na kuch sari masti ke sath kuch growth honi chahiye. आप लोग पांच दोस्त हैं और उसमें से चार मिले हैं आप, और एक दोस्त जो है जो पांचवा नहीं है उसके बारे में गलत बोलता है या बोलता है वो ऐसा है, तो चार में से एक उठ के जाता था, किधर जा रहा हूं, कहता आता हूं, और जाके इमीडिएटली फोन करता था, वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा अभी कॉन्वर्सेशन चालू है अंदर, वो सुन रहा आगे क्या बोल रहा है, तो क्या कर रहा है वो, आग लगा रहा है। वो दूसरा भी बेवकूफ है, अच्छा अच्छा मैं आता टांगे तोड़ दूंगा उसको। चारों दोस्त एक दूसरे को लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं पांचों दोस्त एक दूसरे को, क्या सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। अगर मुझे हरप्रीत की कोई गलती भी मालूम पड़ती है तो मैं उसको छुपाऊंगा, उसको कवर करूंगा और उसको कोने में ले जाके बोलूंगा भैया बंदा बन, है ना। तो ये जो बातें हैं कैरेक्टर दिखाती है। इसकी मदर की डेथ हो गई, शी हैज टू टेक डिप्रेशन पिल्स। कितनी सैड बात है, वो पिल्स पे यार उसका माइंड ठीक नहीं, बदल दी ना पूरी बात, उसका पागल बना दिया उसको। क्या रात को लेके आप सोएंगे, वो पागल है, वो अच्छा नहीं है, वो झूठ बोलता है, उसको कपड़े पहनने नहीं आते, वो बहुत नाटा है, वो बहुत गिट्ठा है, क्या लेके सोएंगे, या आप ये लेके सोएंगे, अच्छा यार एक और नई चीज सीखी, ये बाइबल इज द बेस्ट सेलर ऑफ द वर्ल्ड, यू नो देयर इज नो अदर बुक व्हिच सेल्स एज मच द बाइबल। आप ये कुछ सीखा कि भैया माफी में जो मजा है वो गुस्से में नहीं है। द बाइबल सेज डोंट स्टे मेक फ्रेंड्स विद एन एंग्री पर्सन, व्हाई, आफ्टर अ व्हाइल देयर वोंट बी वन एंग्री पर्सन, देयर विल बी टू एंग्री पीपल, पेसिमिस्टिक पर्सन, देयर विल बी टू पेसिमिस्टिक पर्सन, कुछ नहीं यार छोड़ यार कुछ नहीं, ऐसा बनना है, नहीं नहीं कुछ ऐसा बनिए कि लोग चाहेंगे आप और थोड़ा ठहरे, ऐसा नहीं अरे जा 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 यार लास्ट बस है तू जा, तू जा ना रे प्लीज जा यार, ऐसा दिल में आवाज उठती है ना, लोगों के साथ में बोलता नहीं यार, यार तू जा ना रे, हाँ चाहे फिर Thessalonians 3:10. Monica Babri ji, hallelujah, 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 lots of hallelujahs, I love hallelujahs. Sophia Khan, lots of hearts. Vaibhav ji, welcome. Sudhir Khan ji, Hitesh P. Dhanani ji, true, agree, 1000%, God bless. Nanda Gofame ji, Yaqub Masih ji, Sudha Solomon ji, Lal Chand ji, Johnson ji, Sudha ji, Dijwani ji, लुकास गिल जी, बलविंदर भट्टी जी और बहुत सारे, गॉड ब्लेस यू। थिस्सलुनीकियों की दूसरी पुस्तक उसका तीसरा अध्याय उसकी 10वीं आयत,
और जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी न पाए। और ये हो जाएगा, अगर आप काम से कतराएंगे तो एक बार आदत पड़ जाएगी, फिर आपको खाना मिलेगा भी नहीं। लोग कितने टाइम खिलाएंगे आपको, कितना टाइम लोग खिलाएंगे? बहुत सारा टाइम नहीं। The Bible says, if you don't work, don't eat. कहता मैं तो वर्क करता हूं, कहां? कहता जिम में वर्कआउट किया। बाइबल कहती है कि अगर आप कार्य नहीं करते तो आपको खाने का भी हक नहीं है। You know, minding your own business is the best business. And knowing and understanding others is a good thing. You can't be blind to other people's faults or to your own. Most people are blind to their own faults. They see faults in everybody, but they do not see a single flaw in them. अपने कार्य से कार्य रखना इस दुनिया में सबसे अच्छा कार्य है, और दूसरों की गलतियों पर ध्यान नहीं देना एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनको अपनी कमियां नहीं दिखती, लेकिन वो बाकी सारे संसार की कमियां और गलतियां देखते रहते हैं। So the Bible has a lot of things about relationship. बाइबल में कई सारी बातें रिश्तों पर लिखी हुई हैं। 2 Corinthians 9:6. You know, unity is a very beautiful thing. Unity जो है बहुत खूबसूरत चीज है और बहुत dangerous चीज है। आप बताइए, यूनिटी डेंजरस चीज? कोई एक कोई टेस्ट नहीं है, कुछ बोलना चाहे। हाउ कैन यूनिटी बी डेंजरस? एनीबडी? हाउ कैन यूनिटी बी डेंजरस? मजा आएगा आपको भी सुन के इसका आंसर, बड़ा सिंपल है। हाँ, व्हाट? एब्सोल्युटली ऑन दैट, क्लैप फॉर हर। Was Hitler's army united? Yes. Mussolini's united? Yes. What did they create? Horror, death, torture. The motive is what makes all the difference. It's the motive of unity. If it is wrong, it is hell. If it is good, it is heaven. आपकी नीयत किसी चीज को अच्छा या बुरा बनाती है। अगर आपकी एकता एक बुरा कार्य करने के लिए है तो वह उसको नर्क बना सकती है, और अगर आपकी एकता एक अच्छा कार्य करने के लिए है तो उसे स्वर्ग जैसा बना सकती है। अगर मैं किसी को अपना दोस्त बोलता हूँ और मैं कुछ ऐसा सुनता हूँ जिससे उसका गुस्सा आएगा, उसको डिप्रेशन होगा, उसको हर्ट होगी, उसको फियर आएगा, मैं क्यों बताऊं उसको? आई शुड सॉर्ट इट आउट ना, बड़ी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता है। फालतू की बात है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, तो क्यों बताऊं? मैं बस इतना बताऊंगा कि जितना अच्छा तू मिस्टर एक्स को सोचता है उतना अच्छा वो है नहीं, है ना? तू तो तारीफें के पुल बांध रहा है और वो तेरे बैंड बजा रहा है। मेरे को कई बार लोग पूछते हैं व्हाट्स योर नेम, मैं पूछता हूं हु वांट्स टू नो, पहले तू अपना नाम बताना मुझे, मैं बताऊं मेरी मर्जी। आजकल मॉल में एंट्री मारो तो क्रेडिट कार्ड वाले आ जाते हैं। साइन दिस, जस्ट 2 मिनट्स। मैंने कहा नहीं लूंगा क्रेडिट कार्ड। आप क्रेडिट कार्ड लेंगे ना? नहीं लूंगा। ये चीज अलग है। क्यों सर? पाप है। कितने लोगों को बैंकरप्सी पिलाया है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड की चीज क्यों लूं मैं डेबिट कार्ड लूंगा, वो है मेरे पास, तू जाओ। अच्छी चीज है क्रेडिट कार्ड भी, और बहुत लोगों को मैंने देखा बैंकरप्सी, क्योंकि उसमें लिमिट बढ़ाते रहते हो और बैंड बजता रहता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्टिंग होता जाता है। सो दिस वन, दूसरी कुरंतियों की दूसरी पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसकी 6वीं आयत। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। एक बाप ने अपने बेटे से बोला कि आदमी में, बच्चे ने पूछा बाप से
क्या आदमी में इविल और गुड दोनों होते हैं क्या? लगा बिल्कुल हर आदमी के अंदर इविल और गुड होते हैं। तो कौन भावी होगा, उसने पूछा बाप से, भावी कौन होगा? उसने कहा जिसको तुम खाना दोगे, जिसको तुम फीड करोगे, अच्छाई को फीड करोगे तो अच्छाई बढ़ेगी, बुराई को फीड करोगे तो बुराई बढ़ेगी। तो यहां क्या बोला आपने? बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। अभी इसमें एक अलग तरह से ये बड़ा अच्छी इंटोनेशन में लिया जाता है हमेशा, पर मैं अगर आप बुरे में बोएंगे तो उसमें बहुत अच्छे हो जाएंगे आप, लेकिन बुराई बुराई लाएगा। अच्छाई में बोएंगे तो अच्छाई लाएगा, थोड़ा टाइम लगता है। हाउ मेनी पीपल वॉन्ट टू बी डम, से आई वॉन्ट टू बी डम, मैं बेवकूफी अच्छा हूं। अंगद और मेरे को एक आदमी मिला जो मेरा पुराना दोस्त था, तो उसने ही वाज अ स्क्रिप्ट राइटर, ही इंसिस्टेड ऑन टेलिंग मी अ स्टोरी। तो अंगद बाद में बोला, उसने मेरे को दो स्क्रिप्ट बताई, दोनों सेम थी, सिर्फ कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए उसने और दो स्टोरीज बना दी। पिछले 60 साल से फिल्म बना रहा है सुपर हिट, अभी तक रिलीज नहीं हुई। और मैंने रियलाइज किया, कल मैं देख रहा था पुरानी फिल्में देख रहा था, मैं चल रही थी कहीं पे अंगद और मैं, तो मैंने रियलाइज किया कि ये हीरो हीरोइन इतना भागते क्यों थे उस टाइम पे, और हीरोइन को उठाता क्यों था वो, और फिर भागते थे, हीरोइन हीरो नाराज हो जाता था, वो ऐसे ऐसे जाता रहता, हीरोइन उसको बनाती रहती गाना गाते। कितने लोगों ने देखा है, होता था कि नहीं होता था? मैंने कहा इतनी एक्सरसाइज, फिर हीरोइन ऐसे रोल करके आती थी, वो हिलॉक पे ना वो रोल करके आती थी, पीछे नीचे हीरो रोल करके आता था, बिलीव मी इट वॉज नॉट कंफर्टेबल। फिर हीरोइन लूट जाती थी, फिर उसके पीछे वो आजा रे मान जा रे मान जा रे, हीरोइन को उठाता 100% आयो। फिर मैंने रियलाइज किया उस टाइम पे जिम से नहीं थे, एक्सरसाइज कहां करें लोग, तो रोमांस में एक्सरसाइज करते हैं। ये बड़ी रेवलेशन है यार, आप लोग हजरे इतने इतनी हाई हील पहन के हीरोइन भाग रही है डाउन द हिलॉक अप द हिलॉक इधर उधर उधर उधर, परेशान हो यार, मैं तो लड़की को छोड़ ही देता हूं, मैं भगाती रहती यार, भारी भरकर उठाना पड़ता, स्लिप डिस्क होगी, चलो ये तो मजाक हो गया। तो पर रेवलेशन अच्छी है। आजकल अलग तरीके से बहुत भगाते हैं, तरीका बदल गया, पर वैसा ही है जो मेरी वाली नहीं। तो एक कौन खासी बड़ी खास सविता, Thessalonians 4:11. जय मसीह की जी, बलविंदर जी, जिमी खरासी जी, प्रेज द लॉर्ड। यस, आपके पिताजी के लिए प्रार्थना करूंगा, एमएच पीटर के लिए। बहुत बढ़िया। थिस्सलुनीकियों की पहली पुस्तक उसका चौथा अध्याय उसकी 11वीं आयत, और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना कामकाज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। माइंड योर ओन बिजनेस, अनलेस समबडी स्टार्ट्स माइंडिंग योर बिजनेस, टेल इट टू बैक ऑफ। बेस्ट थिंग, इफ यू वांट टू ग्रो, इफ यू आर थिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट अदर पीपल ऑल द टाइम, व्हाट विल बी योर प्रोडक्टिविटी? जीरो। मैंने अपनी बाइक अंगद और मेरी बाइक ठीक करने के लिए दी है, तो मैं आंख बंद करता हूँ तो मेरे को बाइक का नजारा आता है, कल आएगी। ट्रांसलेट हिंदी को हिंदी में ट्रांसलेट करना,
There are so many lovely things to talk about. There are so many beautiful things to think about. There is so much to learn. I put it on my... You don't have to learn because you're stupid. But you have to learn because you're intelligent and you understand there is much that you don't know. मैंने एक जगह लिखा था कि आपको सीखने की आवश्यकता सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप मूर्ख हैं, आपको सीखने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि आप समझदार हैं और आपको पता है कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता और जो आप सीख सकते हैं। उन चीजों को क्यों ना परस्यू करें हम? वो एग्जाम्पल पंजाब में हिट हो गया मेरा लखविंदर मड्डू के साथ। आदमी मिला एक, क्या करता है, अंडे बनाता हूँ जी, बना अंडा, बॉयल्ड अंडा खाओ जी सर, बहुत अच्छा। 10 साल बाद मिले, क्या करता है भाई, अंडे बनाता हूँ यार, ऑमलेट तक, थोड़ा भाजी तक, कुछ चिकन तक, तो मटन तक तो पहुंचा होता। तो मट्टू मेरे को बोलता है, जिन्होंने बुलाया था मुझे, वासु मट्टू, अब मैं अंडे ही नहीं बनाऊंगा सर। समथिंग ही लर्नड। Somebody says, I'm a great preacher. I'm a great orator. मैं सुनूंगा तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा क्या। मैं टाउन्स में जाता हूँ जहाँ पे सब बाप और माँ बोलते हैं मेरा लड़का क्या गाता है, बस रोते नहीं है, बस इतने इमोशनल हो जाते हैं, प्रभु की देन। जब मैं उसको गाते हुए सुनता हूँ तो ना सुर ना तार, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, कुछ सीखना ना एक तपस्या होती। गिटार दिखती है आपको, आप सोचते हैं कि एल्विस प्रेस्ली हो गए हम, टन 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 बेबी, ऑल बेबीज फ्लैट, इट डजंट हैपन लाइक दैट। जब आप उसे उठाएंगे ना, तो वो उठाता है, अच्छी वाली आवाज निकलती है, मैं उठाता हूं। हमारे घर में किसी ने वायलिन सीखनी शुरू कर दी थी, हमने छुपा दी थी, रेड नहीं छुपा दी थी, उनको इंस्पायर होते थे वो 3:30 बजे सुबह जब हम सोने को जा रहे होते थे, हमारे टाइमिंग में तो उसको गायब कर देते थे वायलिन की तरह। मैंने कहा इट स्विंग्स एंड फ्लोन अवे, जब हम कल जाएंगे बाहर घर से आपको जादू से मिल जाएगी। टू लर्न समथिंग इज अ तपस्या। To learn a sport is a tapasya. To write poetry is a tapasya. वो तपस्या नहीं करनी लोग, वो तपस्या नहीं करनी क्योंकि पप्पू पास हो गया, क्योंकि उसकी वो लड़की उसके साथ भाग गई, वो ये हो गया, वो हो गया, तो कहां से हो गया तपस्या? मेरी इच्छा है कि हर आदमी पावर ऑफ लव में, और जहां भी मैं जाता हूं, लोगों को कुछ सिखा के जाए। सिखाएगा कैसे? जब खुद सीखता रहेगा। सीखेगा कैसे? जब ये इसको बंद रखेगा और इन दोनों को ओपन रखेगा। एक लड़के ने मेरे को ऐसी सीख दी एक बार, कि पहले शायद बोल चुका हूं मैं, हम लोग थे बॉम्बे के बाहर ही थे और न्यू बॉम्बे में गए थे, तुम आया एक बच्चा कहता है ये खरीदो किताब, क्या था वो बच्चे कलर करते ना, वो किताब थी, तो मैं जनरली ले लेता हूँ। और मैंने उसको बोला बेटा मैं इसका क्या करूंगा, कहता किसी, हाँ मैंने कहा मैं इसका क्या करूंगा, मैं बच्चा थोड़ी ना हूं, तो कहता मेरे से खरीदो और मेरे जैसा दूसरा गरीब बच्चा ढूंढो उसको दो। क्या सीख दी उसने मेरे, उसका चेहरा मेरे इम्प्रिंट हो गया उस बच्चे का।
I bought him something, but that he took it like with no problem. That's okay. You should be doing what you're doing. I bought him shoes. It was raining. He took it with dignity and pride. तो क्या बात उसने मेरे को बोली? कहता मेरे जैसा दूसरा गरीब बच्चा जिसके माँ बाप नहीं है उसको ढूंढो और उसको ये किताब दो. क्या बात है? अच्छा करना हो भला करना हो उसका तरीका निकल ही आता है. Proverb 1:7. किरण जी, सन्याल जी, कपिल जी, नंदा जी, नवी जी, सन्यम जी, प्रिंस जी. नीति वचन उसका पहला अध्याय उसकी सातवीं आयत. यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है. बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं. यू नो ग्रेट लीडर्स, great leaders, two things happen to great leaders, all great leaders. They are respected and feared. Both are important. Unko izzat bakshi jati hai aur unse log thoda darte hain. Bada zaruri hai. Dar jo hai na aapko sahi raaste par rakhta hai. Prabhu ka bhay aapko sabse sahi raaste par rakhta hai. The fear of God. इतना कुछ सीखने को है यार. जिंदगी कितनी लंबी है, 100 साल जिएंगे आप. सीख लो यार, कुछ कुछ छोड़ जाओ, कुछ सिखा जाओ यार. वो थैंक यू नहीं बोलता सीखने के बाद, प्राइड आ जाता, वो उसकी प्रॉब्लम है. सिखा तो जाओ. मुझे बड़ा अच्छा लगा किसी ने हमारे चर्च में पंजाब ट्यूशन बोला कि वो किसी के लिए मेक ओवर करेंगे. इट्स अ गुड थिंग फॉर समबडी टू लुक बेटर. जो चीज आपको आती है सिखाने की इच्छा तो होनी चाहिए. पता चला काला पेंट पोत दिया. टू डू गुड टू अदर्स इज अ प्राइमरी गॉडली एट्रीब्यूट. दूसरों के साथ अच्छा करने की चाहत परमेश्वर की एक बहुत बड़ी, उसका एक सिद्धांत है जो आपके अंदर होता है. बड़ा सिद्धांत, बड़ा सिद्धांत. सो गुड पास्टर जी, थैंक यू जी. यू लाइक इट, आई एम ग्लैड. एक पत्रस उसका चौथा अध्याय उसकी दसवीं आयत. जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए. यूज योर गिफ्ट्स टू सर्व. देन योर गिफ्ट्स विल ग्रो. यू विल नॉट ओनली सेल बॉइल्ड एग्स ऑल योर लाइफ. एक्सपेरिमेंट इज दिस. They say necessity is the mother of invention. जो भी वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है वह दूसरों की सेवा में लगाइए. इससे आपका वरदान बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जरूरत होती है जो वो आविष्कार की जननी है. आपको एक आइलैंड पे छोड़ दिया जाए जहां आप सोचेंगे मर जाएंगे, लेकिन आप कुछ ना कुछ वहां पे बना लेंगे, पत्तों से बना लेंगे, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं. पत्ते जोड़ लेंगे, ईंट कहीं से ढूंढ लेंगे, एक सोटी ढूंढ लेंगे सांप मारने के लिए, क्योंकि सर्वाइवल. पर रोज दुनिया में अगर हम ऐसा एटीट्यूड रखेंगे सीखने का, तो रोज सीखते रहेंगे, तो प्रभु हमें डालेगा नहीं वहां पे अकेले किसी आइलैंड में या
वेल की बेली में नहीं डालेगा प्रभु। क्यों जोना को वेल की बेली में डाला गया? क्योंकि उसे कहा निनेवे जा और वहां पे बोल पीपल टू रिपेंट, अदरवाइज गॉड विल डिस्ट्रॉय निनेवे। निनेवे के जो लोग थे वो जोना सोचता था कि उसके छोटी जाति के, तो कहता था मेरे को बड़ी जाति में मेरी बेइज्जती हो जाएगी छोटी जाति में। तो कहां पे एंड अप हुआ? एक वेल ने स्वॉलो कर दिया जो प्रभु ने बनाई थी। और तीसरे दिन जब उसने रिपेंट किया तो वेल ने उसको बाहर फेंक दिया। सो दिस वेल एक्सपीरियंस समटाइम्स वी ब्रिंग अपॉन आवरसेल्व्स। कई बार यह जो वेल के मुंह में गए जोना, उस तरह का अनुभव हम अपने जीवन पर स्वयं ही लेकर आते हैं। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। आपको पता है कि मैं अपनी कोई अपनी बांह दूसरे के साथ बांध ले ऐसे करके, तो साल दो साल में वहां पे जख्म हो जाएगा और वो दोनों बाहें जुड़ जाएंगी। इज द ट्रूथ। उसी तरह जिस चीज के साथ में आप रहते हैं वो वैसा आप पे असर जरूर करती है। जी भाई, मैं अपने लोगों को बोलता हूं जब तक आप प्रभु के शिष्य नहीं बनते आप किसी को बाहर यीशु के बारे में मत बताइए, क्योंकि वो घुमा देंगे आपको। फिर आप सोचने खुद ही, क्योंकि आपका भी रूट जो है पक्की पकड़ी नहीं है, आप उसके जैसे सोचने लग जाएंगे। लेकिन जब आपकी रूट पक्की हो गई है तब बताइए, क्या हवा जो है आपको उड़ाना दे। हवा तेज है टोपी उड़ जाएगी। मोनी जी और मेरे ख्याल कितने मिलते हैं। मैं आपको लेक्चर कर रहा हूं, मेरे को लेक्चर कर रहा हूं। लेविटिकस 18:6। कुछ लोग ऐसे होते हैं कभी जिंदगी में भागे नहीं, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला, पर उनको अगर किसी के बारे में बुरा पता चल जाए तो मिल्खा सिंह से भी तेज भागते हैं उसको। ऐसी पावर आ जाती है उनके अंदर, पूछे कुछ गलत विजय भी अच्छा अच्छा ऐसा भाई नहीं होता। लेविटिकस को हिंदी में Are you learning something, people who are watching me? If you're learning, type over there. I'm learning. God is good. Type that. लव व्यवस्था उसका 18वां अध्याय उसकी 6वीं आयत। तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबनी का तन उघाड़ने को उसके पास ना जाए, मैं यहोवा हूँ। इंग्लिश में है डोंट अनकवर अदर्स नेकेडनेस। कोई तकलीफ में है तो उसका मजाक, किसी ने कुछ गलत किया है उसको नंगा मत किया। हमारा काम है लोगों को कवर करना यीशु के लहू के साथ। That is our business। और एक पावर ऑफ लव में मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये जो यहां चलता है ना पास्टर को नहीं बताना। जब इतनी सी चीज है पास्टर को नहीं बताना, जब इतनी मोटी हो जाती है पास्टर किधर है। If you could sort out your issues, I was not needed. The more informed you keep me is better for you, because I give it all to God. जितना आप मेरे को informed रखेंगे, मोनी जी को informed रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। Especially मेरे। तो मैं क्या बोल रहा हूं,
आप किसी को पैसा देंगे मेरे को बिना पूछे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें। और आपका बड़ा अच्छा दिल है, आपने दिया बड़ा अच्छा दिल है आपका, आपने दिया, पर वो आदमी शायद दे ना सक सके आपको वापस, फिर थोड़ा चुभेगा, फिर आप कहेंगे पास्टर जरा प्रे कीजिएगा कि मैंने किसी को पैसे दिए हुए हैं वो मिल जाए, है कि नहीं? जरूरत है, आप भी कोई मिलना नहीं, पास्टर मेरा बिजनेस फेल हो गया, आप प्रे कीजिए। मैंने कहा बिजनेस कब शुरू किया आपने? मुझे नहीं पता, प्रभु को नहीं पता। जब शुरू किया तब आपको crores and crores and crores of money was being seen, billionaire, millionaire, you know, marriage in the Taj and stuff, you know. But now only thing you see is crores, crores, crores. When you start something, you seal it with a prayer. You seal it in the will of God. आप उसको सील करिए विल ऑफ गॉड में, सील करिए प्रेयर में, पास्टर की कवरिंग में सील कीजिए आप उसको, और वो चीज बढ़ेगी। और मुझे सबसे ज्यादा अम्यूज करते हैं वो लोग बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अपना छोड़ के उनको सबकी, उसने ऐसे कैसे बोल दिया उनको पड़ी रहती हूँ। मैंने कहा तेरा लेना देना क्या है उससे, पर कैसे बोल सकता है वो मिनिस्टर ऐसे? मैंने कहा क्योंकि वो मिनिस्टर है, बोल सकता है, तेरी कोई सुनता नहीं। हस्बैंड को पूछा इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेता है घर के अंदर, अरे सर आई एम द हेड ऑफ द हाउस बिब्लिकल। उसने कहा कैसे? कहते छोटे छोटे डिसीजन है, कपड़े क्या पहनेंगे, खाना क्या बनेगा घर में, और बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे, हॉलीडे पे कहाँ जाएंगे, ये सब बीवी लेती है छोटे छोटे डिसीजन। उन्होंने कहा आप क्या, बड़े डिसीजन सर, अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, है बड़े बड़े डिसीजन मैंने था। खाता खाना वही पड़ता जो वो बनाते। सो डोंट फूल योरसेल्फ, माइंडिंग योर ओन अफेयर्स इज अ गुड थिंग, and being aware of everything else is a good thing. Growth is a good thing. Have you learned, I met a friend, I went for a walk. One thing I benefited was that I had oxygen in my lungs. Second thing I learned was that something new maybe, he visited a new city and he told me about it, and I'm thinking of visiting that city and I know a little bit about that city. So I learned something from it. Rather than degrade somebody, talk about others, you know, these things. अपने कार्य से कार्य रखना एक अच्छी बात है और दुनिया के बारे में जानकारी रखना अच्छी बात है, किसी से कुछ सीखते रहना एक अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को नीचा गिराना या उनको छोटा करना एक अच्छी बात नहीं है। I am blessed with what you said. I am feeling blessed by your preaching, Sanyal Kapil ji. Thank you. I am blessed by your comment. God bless you, Pastor. Wonderful teachings. Thank you. Sanju, so good Pastor Ji, thank you so much. I also like appreciation. Jai Masiki, true, true, true. Two faces flashed before me, company does matter. Yes, Marisha, company does matter. It matters a lot. 1 Corinthians 15:33. Suzail Khan ji is learning and receiving. Very good. Meenu is learning. Sangeeta is learning. I am learning. Hitesh, wonderful. We are learning. See? Neelam, we are learning. I am learning. God is good. Marisha, I always learn when you teach pastor. Yes, I am learning. Sanyal Kapil ji, I am learning. How wonderful is that? So many people are learning. Let's clap for them. Aapke liye. ये तालियां पावर ऑफ लव की जी।
आज मैसेज थोड़ा लंबा है, बेयर विद मी, कैन आई स्पीक ऑन, कैरी ऑन. मर पिया नहीं रहूं कुरिन्थियों की पहली पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसकी 33वीं आयत. धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है. कॉन्स्टेंटली स्टेइंग इन द 80s, लेट 80s, मिड 80s, 90s, पूरे बॉम्बे का एटीट्यूड हो गया था. क्या हो रही मैटर है क्या, सुलटा रहे भाई को मिलवाता हूँ शाम को. अरे अच्छा भाई अंडरग्राउंड है. इट एक्चुअली हैड बिकम सबका स्ट्रगल. मैटर है एटमोस्फियर, पीपल मेक अ डिफरेंस. Acquaintances are many. Choose your friends carefully. जो भी आप करते हैं आपको एक पूछना चाहिए. चलो मैं बल्ले से मिल रहा हूं, मैं दीपक खन्ना से मिल रहा हूं, have I learned all the masti, all the fun, all the leg pulling? उसके सिवा क्या am I richer or poorer? I'll also be richer if I'm about a new person. I learn that is no point meeting him. A new person I meet, there's no point meeting him. ठीक है नमस्कार. Who you are with most of the day will make you what you are. जिनके साथ आप अधिकतर अपना समय बिताते हैं पूरी तरह के आप इंसान बन जाएंगे. मेरे साथ आप बहुत वक्त बिताएंगे तो विदाउट नोइंग आप बोलेंगे टच. छोटे बच्चे बोलते सारे 12 कलम में जाके गिराते हैं अपने माँ बाप को, गिरना पड़ता है. Yes, all the children born here. सबने किया कि नहीं किया? Yes. देखो किया उसने भी, उसने भी किया. जितने बच्चे जाके टच, गिरता नहीं है टच 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 बल्ले चक दो फटे पट दो किली. एक जनाब थे जो मेरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत बुरा बुरा बोलते हैं मेरे से. तो मैंने पूछा क्यों भाई आप, कहता है वो आपकी मीटिंग में आया, उन्होंने देखा आप ऐसे करते हैं लोग गिर जाते हैं. कहते हैं उन्होंने बड़े कोट घुमाए, कहता लोग गिरे ही नहीं, वो आपसे नफरत करते. वहां पे सोचिए रेसलिंग चल रही, पास कोट पकड़ा होगा चल नीचे. ऐसा एक्चुअली हुआ, कहते बड़े कोट घुमाए उन्होंने, वो आदमी भी खड़ा हुआ बेचारा. तो क्या बोलते हैं बैड कंपनी के बारे में? धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है. मैंने दो अच्छी बाहों के बारे में बोला, अगर उनको जोड़ दिया जाए तो वो चिपक जाएंगे गंदे तरीके से, बैक्टीरिया हो जाएगा, पस हो जाएगा. अच्छी चीजों के साथ कनेक्ट रखिए, शुभ चीजों के साथ, अच्छी हॉबीज बनाइए, किताबें पढ़िए, दिमाग को इस्तेमाल कीजिए. बड़ी कमाल की चीज है दिमाग. अभी अच्छी फ्रेंडशिप होती है तो क्या होता है? Proverbs 27:9 ये होता है, आई एम लर्निंग, गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, लर्निंग, आई एम लर्निंग, वाओ एब्सोल्युटली परफेक्ट, वाओ प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी. चल पढ़ो. खुल नहीं रहा, हैंग हो रहा. नीति वचन उसका 27वां अध्याय उसकी 9वीं आयत. जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है. आनंदित होता है. If you meet somebody, make this the barometer. If you meet somebody and you come out joyful from it and have learned something, that is friendship. If it lifts you up, that's not flattery. It's just,
Even correction, even something, you know, a discussion, if it lifts you up, that is friendship. What refreshes a soul is friendship. इस चीज को मापदंड बनाकर रखिए कि अगर आप किसी से मिलते हैं बेहतर होकर खुश होकर आनंदित होकर आप बाहर आते हैं तब वह अच्छी मित्रता है जिससे आपकी आत्मा सुखी और संतुष्ट होती है वह अच्छी मित्रता है। Let it sink in. ये मित्रता नहीं है आपने बुरा सुना पांचवा दोस्त वहां है नहीं बाहर जाके उसको फोन वो तेरा बैंड बजा रहा है वो बैंड बजा भी ना पूरी चेंज कर दी सिचुएशन जो हमें आनंदित करती है कुछ आग वाग जलवाऊं वहां कुछ सिगड़ी बिगड़ी कुछ अंगीठी वेरी नाइस अच्छा ये मोनी जी का कृपा अ स्वीट फ्रेंडशिप रिफ्रेशेस द सोल एंड दैट इज सच अ कोजी साइट Luke 6:31. This is friendship. ये दोस्ताना है. Sorry. Exactly this scripture is saying that. Yes. Luke 6:31. मैं बोल दूं क्या वो भी छोड़ेगी नहीं लुका की पुस्तक उसका छठवां अध्याय उसकी 30वीं आयत और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो ट्रीट अदर्स लाइक यू वांट टू बी ट्रीटेड एंड यू आर सॉर्टेड आई एम टेलिंग यू Unless you are a masochist and you like to be beaten and abused, which we are not, do unto others as like you want done for yourself. Don't make people naked. Don't expose weaknesses. Lift up others. जैसा आप अपने साथ व्यवहार चाहते हैं दूसरों के साथ वैसा ही करिए उनकी कमजोरियों को दूसरों के सामने मत लाइए उनको नंगा मत करिए उनके उनकी कमजोरियों के लिए प्रार्थना करिए और उनको ऊपर उठाइए Proverbs 18:24 God bless you Pastor जी more and more I receive it संयम कपिल जी top fan Vanessa D'Souza is learning Asha Joshi is learning. Lift up others. Marisha, yes. क्या बोला मैंने? Proverbs. नीति वचन उसका 18वां अध्याय उसकी 24वीं आयत. मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है. Will a loyal friend speak behind your back? No. Will a loyal friend speak badly about you? No. Will a loyal friend try to put a hindrance in the work that you do? No. Will a loyal friend not help you in the middle of the night? Yes. If these qualities not there in your friends, then they are not loyal friends, they are not real friends, they are fake friends. In a certain state in India, whenever I go, sometimes some people tell me, Pastor Ji, आपके लिए जान दे देंगे। मैंने कोई ज़रूरत नहीं, लोड नहीं है। The way of talking. So जो आदमी कहता मैं जान दे दूँगा, कोई गारंटी नहीं है कि वो चाय भी दे दे। सही ना? पक्की दोस्ती जो होती है, वो अलग होती है, बड़ी छुप होती है, बड़ी खास होती है, बड़ा मजाक होता है, लात खींची जाती है। लेकिन दूसरा आदमी कुछ बोल दे उसके बारे में तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बुरे होते हैं किसी ने मेरे बारे में कहीं बोल दिया तो बहुत दूर मैं मिला नहीं था 10-15 साल से मेरे 15 दोस्त पहुंच गए उसके घर
बोलते उठा के ले जाओ। सीरियसली मैंने यहां से फोन किया, मैंने कहा रेंट तो कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि लोग अच्छा हो चलता है, बट स्टिल दैट लॉयल्टी इज़ देयर। तो क्या हुआ? बहुत बढ़िया, प्रोवर्ब्स 19:20, नीति वचन उसका 19वां अध्याय उसकी 29वीं आयत, ठट्टा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है और मूर्खों की पीठ के लिए घोड़े हैं। हाँ, मूर्ख आदमी को जिंदगी में दो चार बार जो है मार पड़ती है, बता रहा हूं मैं। हाँ, बस यही है, कहा था 1920 ना, लिसन टू द एडवाइस एंड एक्सेप्ट डिसिप्लिन एंड यू विल बी वाइज। हर चीज तपस्या होती है। आपको रात दोपहर को 2 बजे उठने की आदत पड़ गई है और आप सोचते हैं कि आप अपने काम पे जाएंगे तो आप 7 बजे एकदम फिट तैयार हो जाएंगे, वो नहीं होने वाला है। बॉडी क्लॉक आपकी चेंज होगी। तो अगर आपको 7 बजे उठना है तो आपको क्या करना है, जब आप रात को 3 बजे भी सोए हैं तो सुबह 7 बजे उठना है, फिर सारा दिन सोना नहीं, कितनी भी नींद आए मैं सो जाऊं, सोइए मत, रात को नींद आ जाएगी, 2 दिन में नींद आ जाएगी, बॉडी क्लॉक चेंज हो जाएगी। नहीं तो आप बोलेंगे 3 बजे सोऊंगा, 2 बजे उठूंगा, 4 बजे सोऊंगा, 2 बजे उठूंगा और नौकरी पे जाऊंगा, लेट पहुंचेंगे, 1-2 महीने बाद आपका जो बॉस है वो कहेगा जी आप सोते ही रहिए, आप आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। हर चीज तपस्या होती है। एक औरत अपने घर को अच्छा रखती है, तपस्या है। अपने बच्चों को अच्छा रखती है, तपस्या है। एक बाप अपने बच्चों को प्यार करता है, उनको खिलाता है पिलाता है, सब ठीक रखता है जब तक रख सकता है, तपस्या है, अच्छी तपस्या है। प्रोवर्ब 22:24-25, नीति वचन उसका 22वां अध्याय 24वीं और 25वीं आयत, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना, कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। कई लोगों को हर बात पे गुस्सा आता है, रात हो गई यार, रोज होती है, घंटी बजी यार, लोग आएंगे ना, सब एक और आ गया, होते हैं ऐसे लोग, ऐसे होते हैं। कल पूना जाना है यार, पूना जाना, तुम पता है पूना है, अच्छा यार ना जा यार, पूना जाना है, सोया नहीं, दूसरे की गलती है, सो दुआ करूंगा तू सोए। ऐसे आदमी के साथ आप रहेंगे तो क्या सीखेंगे आप, गुस्सा करना ही सीखेंगे ना, कैसा है ठीक हो, खराब हो तो ठीक करेगा मुझे। वॉट एवर यू लिव विद कम्स अपॉन यू, वेरी डिफिकल्ट। यू स्टार्ट लिविंग विद पीपल हू टेक ड्रग्स, वन नाइट यू विल वॉन्ट टू डू इट एंड देन इट विल कैच यू। With a thief, one day you think, "Yeah, I work 8 hours a day, 10 hours a day." This thief goes out and steals one day and good for a month. Maybe we can do that. Hey, कुछ बढ़ोतरी, अपने से अच्छे लोगों को मिलना, अपने से more intelligent लोगों को मिलना, बहुत अच्छी बात है। अगर आप फिल्म मेकर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, आप जो लोग आपसे अच्छी फिल्में बनाते हैं, आपसे अच्छी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उनको आप देखिए। अभी आप हीरो हीरोइन को फिर एक्सरसाइज कराएंगे आजकल की फिल्मों में, तो आजकल के बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कह
ये रोमांस है कि एक्सरसाइज है. यू हैव टू गो विद द टाइम्स. वो देखी थी आपने, मैंने डाला था उसमें एक बॉडी बिल्डर है इतना बड़ा बड़ा अग्ली सा ऐसे उसकी गर्दन में. बॉडी बिल्डर इज नॉट अग्ली, आई डोंट से दैट, आई लाइक टू एक्सरसाइज. और एक आदमी बड़ा हैंडसम आदमी है, उसका सिर बड़ा बहुत बड़ा है. तो बॉडी बिल्डर उसको पूछता है कि वेयर डू यू वर्कआउट, तो बोलता है एट द लाइब्रेरी. सो व्हाट यू विल फीड विल बिकम लार्जर, व्हाट यू विल फीड विल बिकम लार्जर. फीड द गुड. लास्ट स्क्रिप्चर फॉर टुडे, जिस चीज को आप खाना खिलाते जाएंगे वही चीज बढ़ेगी, तो खुद तो क्यों नहीं हम अच्छाई को खाना खिलाएं और उसको बढ़ाएं. Amen. Proverbs 27:17. बड़ा अच्छा, बहुत कमाल का स्क्रिप्चर. नीति वचन उसका 27वां अध्याय उसकी 17वीं आयत, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है. जैसा लोहा लोहे को तेज करता है वैसे एक दूसरे को तेज करेगा. कंपटीशन इज अ वेरी गुड थिंग. रेस में एक ही आदमी भागे तो क्या मजा, हर बार फर्स्ट आता है. कुकिंग कंपटीशन में एक ही कुक हो तो उसका क्या दुख है, है कि नहीं? बॉक्सर अकेला ही लड़े तो क्या फायदा है, है कि नहीं? राइटर एक ही हो तो क्या फायदा है, नई नई स्टोरीज बनेंगी नहीं. फिल्म मेकर एक ही हो तो क्या फायदा है, साइंटिस्ट एक ही हो तो क्या फायदा है. वी आर एनहांस्ड बाय ईच अदर, वी आर नॉट डिमिनिश्ड बाय एनीबडी. जैसे लोहा लोहे को तेज करता है वैसे करिए. और कुछ लोग कहते हैं छुरी छुरी लेके तेज करने जाते हैं दूसरे को, खचा के एक टाइम में तेज कर दिया. और आप कभी जाते हैं कुछ लेने हैं, तो आप देखते हैं काटने से पहले दो छुरियां लड़ाता है ऐसे, वो काम है, स्पार्क्स निकलती हैं. तो हमें एक दूसरे को तेज करना है, बढ़ाना है. और हमारे को ये सोचना है कि जो भी हम कार्य करते हैं क्या उसमें हम अमीर हुए कि गरीब हुए. गॉड ब्लेस यू. बहुत बढ़िया. थैंक यू जीसस फॉर मैन ऑफ गॉड पर पास्टर परमजीत फॉर द ग्रेट टीचिंग्स एंड वी आर लर्निंग सो मच फ्रॉम हिम. थैंक यू. वाओ, प्रेज गॉड. आई लव यू सर, लव यू टू. आए नहीं यार तुम लोग पंजाब में? की नहीं, अभी नहीं. आर वी स्टिल ऑन और ऑफ? ओके, ऑन. सो गॉड ब्लेस यू. आई प्रे फॉर एवरीबडी हियर टुडे एंड And everybody is watching me, a prayer. प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से. प्रार्थना करता हूँ प्रभु के हम हमारी दोस्तियां हमारी रिलेशनशिप प्रभु ये सब चीजें प्रभु हमारे को बढ़ाएं और जिसको हम मिले वो भी बढ़े. जिस चीजों से हम घट रहे हैं, जो चीजें हमें तुच्छ बना रही हैं प्रभु, जो दोस्त हमें तुच्छ बना रहे हैं वो चीजें हम खत्म करें प्रभु. जिंदगी में बहुत लोग हैं तो अपने आप को ज्यादातर उन लोगों से सराउंड करके रखें जो कि लॉयल हैं, जिनमें प्रभु का भय है, जो काम करना चाहते हैं, जो मेहनती हैं, जो थोड़े पढ़ते लिखते हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको मालूम है कि हर आदमी किसी आदमी से कुछ ना कुछ सीख सकता है. ये एटीट्यूड लेके अगर हम चलेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे, हम खुश होंगे और हम लोग एक अच्छी और आनंदमय जीवन जी सकेंगे. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.